नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर सिधारी क्षेत्र के बेलनाडी के जन चौपाल में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने बयान में सभी दलों को निशाने पर लिया, वहीं कई मामलों में अन्य दलों की तारीफ भी की, लेकिन आने वाली राजनीति में वह किस तरफ जाएंगे इसका उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी को हालांकि कुछ ज्यादा ही निशाने पर लिया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए श्री राजभर ने कहा कि अखिलेश जी हमें दिशा विहीन बताते हैं, जबकि हकीकत में वह खुद दिशा विहीन है। सरकार में रहते हुए उन्होंने पिछड़े वर्ग की अन्य जातियों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि पिछड़ों और दलितों के दो दुश्मन हैं, एक समाजवादी पार्टी और दूसरी बहुजन समाज पार्टी। दोनों को सिर्फ मुख्यमंत्री पद की चाहत रहती है, और बहुत कुछ कहा। ओपी राजभर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अनवरत हम भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी अपने संगठन को दुरुस्त करते रहते हैं, बूथ स्तर से लेकर के जिले स्तर तक। उसकी समय समय पर हम लोग समीक्षा करते रहते हैं, कहाँ हमारा संगठन कमजोर है, कहाँ पूरा हुआ, कहाँ नहीं पूरा हुआ। उन्हीं चीज़ों की जांच हमारे प्रदेश के नेता, राष्ट्रीय नेता, मैं खुद करता रहता हूँ। उसी कड़ी में आज हम आजमगढ़ के करीब 9 जगह ये कार्यकर्ताओं से जो काम किए हैं उनकी समीक्षा के लिए इधर आए हुए हैं। एक हफ्ते पहले अखिलेश यादव जी आए थे, उनका कहना था कि 2024 में आप किसके साथ रहेंगे आपको भी नहीं पता, इतने आश्चर्यमाइंड हैं आप। देखिए, अखिलेश जी के विषय में हम क्या कहें, जो बात वो बोल रहे हैं। 4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया, पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण जो मिल रहा है, 12 जातियां लाभ उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट करके सबको दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। हम दिशाविहीन हैं कि वो दिशाविहीन थे? अगर उनको ज्ञान होता तो और जातियों को हिस्सा दिलाने के लिए हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते। 15 सितंबर 2013 को ही हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार एक समान शिक्षा लागू करे। मुख्यमंत्री कौन? अखिलेश यादव जी। दिशाविहीन कौन? मुख्यमंत्री थे वो। और आज अगर यहाँ जितने लोग जुटे हैं, अभी आपके सामने हम प्रमाण दे देंगे, घरेलू बिजली के बिल से सब लोग परेशान हैं, है ना? क्या इन्होंने कोई युक्ति बनाई कि गरीबों को क्या चाहिए? घरेलू बिजली का बिल अगर ये कानून बना दिए होते कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री करते हैं अपने प्रदेश में, बड़ी प्लांट की चर्चा करते हैं कि बड़ी यूनिट हमने लगाई, हमने बहुत बिजली खरीदी, लेकिन गरीबों के लिए आपने क्या किया? आप अगर 300 यूनिट बिजली फ्री कर देते जनरल सबको, तो आज ये गरीब बिजली के बिल से परेशान नहीं होता। आज अगर ये एक गरीबों के इलाज के लिए कोई कानून बना, अगर ये कानून बना दिए होते कि गरीब का इलाज फ्री में हो, तो आज गरीब परेशान नहीं होता। शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है। आज भारत देश का एक प्रदेश है तेलंगाना, तेलंगाना 4 करोड़ आबादी का है, 4 करोड़ आबादी में 500 विद्यालय केजी से लेके पीजी तक निःशुल्क आवास भोजन फ्री दे करके 2 लाख बच्चों को हर साल डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर बनाने की व्यवस्था तेलंगाना सरकार करती है। दिशाविहीन कौन था? समाज के उत्थान की बात करने वाले अखिलेश जी करते हैं। हम तो कहते हैं पिछड़े दलित के दो दुश्मन, ये दोनों कहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस दुश्मन है, तो हम तो कहते हैं अखिलेश और मायावती ये दो दुश्मन हैं। अगर ये दोनों पिछड़े दलित के हितैषी हैं तो फिर अलग अलग क्यों लड़ते हैं?
इन दोनों, ये दोनों ये क्यों नहीं हो जाती? ये दोनों अपने स्वार्थ में अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को धोखा दे रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस एक पार्टी है ना, राष्ट्रीय पार्टी है, कई स्टेटों में उसकी सरकार है, उसके नेता हैं, तो कांग्रेस का नाम लेना कोई गुनाह है का? कांग्रेस भी है। अरे, इस देश में लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा, इस प्रदेश में शासन रहा है, ये तो सत्ता बदलती रहती है। आज भाजपा की है, कल कांग्रेस की हो जाएगी, परसों किसी और की हो जाएगी। कांग्रेस बसपा और आपका गठबंधन भी संभव है? जो भी राजनीति में सब कुछ संभव है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है कि ओम प्रकाश जी का भरोसा नहीं कि सुबह कहाँ रहेंगे, रात को कहाँ रहेंगे। देखिए, उनका खुद भरोसा नहीं है। एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर कहता है। बहुजन समाज पार्टी में थे, जग जाहिर है, फिर भाग के गए भाजपा में, फिर भाग के गए सपा में, यही न है? वो करें तो रासलीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। बारे बार मौर्य जी, कल एक बयान और जारी हुआ कि उनकी थोड़ी रोटी और घी खा के चर्बी और पेट फुला रखे हैं लोग, सारा तो नहीं बताया लेकिन इशारों इशारों में मंत्री लोगों को तो उन्होंने बोला। नहीं तो उसमें तो वो भी आते हैं, उनका भी पेट मजे का फूला है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर समझता है, उसी तरह के नेता हैं ये नेता। दुमुहिया साफ हो गए हैं ये नेता लोग, दुमुहिया साफ हो गए हैं। अभी जैसे हम आपके सामने बयान दे रहे हैं, आप दिखा देंगे टीवी पर कोई गड़बड़ दिखा गया तो फिर जब पूछा जाएगा नहीं ये तोड़ मरो के दिखाया जा रहा है, बोलते हैं नेता ना, इस नाते हम नेताओं को दुमुहिया साफ बोलते हैं। अब आप आजमगढ़ में देख लीजिएगा, आजमगढ़ में शायद बाई इलेक्शन में मैं नहीं रहा होता तो कहाँ होते, तीसरे नंबर पर होते ना, वही हाल होगा आजमगढ़ में। दोनों सीट पर देख लीजिएगा, पूरी ताकत लगा लें लोग, हम भी आजमगढ़, हम लोग भी हैं, घूमते रहते हैं हम लोग भी। आपकी रणनीति क्या रहेगी 24 में, क्योंकि कभी मायावती जी की तारीफ कर देते हैं, कभी भाजपा की तारीफ, सब लोग असमंजस में आते हैं। नहीं देखिए, हम सच बोलते हैं, फिर मैं आपके सामने कह रहा हूं, आप लोगों के आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने जितना देश में फैक्ट्री लगाई, रेलवे स्टेशन बनाया, सड़कें बनाई, रोडवेज बनाया, जितना नौकरियां दी कांग्रेस पार्टी ने, उतना कोई पार्टी आज तक काम न की है न कर पाएगी। दूसरा, आप अगर लखनऊ के 10-90 पर खड़ा होइए तो लखनऊ को नवाबों की धरती या नवाबों का शहर बना दिया मायावती जी ने। नीचे उतरिए 10-90 गोमती रिवर फ्रंट अखिलेश जी ने शुरू किया। आप आगरा एक्सप्रेसवे पे चलिए तो अखिलेश जी। अब आइए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, योगी जी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, योगी जी। गोरखपुर लिंक मार्ग एक्सप्रेसवे, योगी जी। अब इसको कहिए तो लोग कहते हैं कि तो सबकी तारीफें करते हैं। हम सच बोलते हैं, जो काम करता है, जो काम किया है, उस काम को कहते हैं। देखिए, हर सरकार का अलग अलग नाम है। ये बुलडोजर की सरकार, समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार, कांग्रेस पार्टी गरीबों को अहित करने की सरकार के नाम से जानी जाती थी, बहुजन समाज पार्टी कानून के राज की सरकार, यही तो नाम है। बुलडोजर नीति से आप सहमत हैं या नहीं हैं? भैया, मैं क्या कह रहा हूँ, ये सरकार बुलडोजर नीति से आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार की नीति से आगे बढ़ रही थी। अभी आपने नहीं देखा, राम गोपाल जी जिसके ऊपर 100 मुकदमे लिखे गए हों, उसको बचाने के लिए मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। पिछड़ों की रहनुमाई करने वाले, पिछड़ों की दुहाई देने वाले, जब 68,500 में 5% रिजर्वेशन सामान्य वर्ग बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट को नहीं मिला, तब उसको लेकर के मुख्यमंत्री से नहीं मिले। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, सरकार भी कह रही है, हाईकोर्ट कह रही है, पिछड़ा वर्ग आयोग कह रहा है, इसके लिए राम गोपाल जी मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे, लेकिन अपराधी को बचाने के लिए जरूर मिलेंगे। देखिए, अभी तो हम जनता के बीच में हैं, आधी आबादी महिलाओं की है। आपने देखा, आप लोगों के चैनल पे भी चला कि आजमगढ़ मंडल मऊ में हमने कार्यक्रम किया, महिला सम्मेलन हमने फैजाबाद मंडल में किया, बस्ती मंडल में किया, गोरखपुर मंडल में किया, देवीपाटन मंडल में किया, तब तक आ गया विधानसभा का सत्र, हम उसमें लग गए। तो हम आधी आबादी को तैयार कर रहे हैं, इधर जो वंचित शोषित लोग हैं उनको तैयार कर रहे हैं। आज़ादी के 75 साल हो गए, पत्रकार आयोग का गठन क्यों नहीं हुआ? फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा का कानून क्यों नहीं बना? नेता लोगों का तो आप लोग फोटो खींच के खूब दिखाते हैं टीवी पर,
लेकिन जब पत्रकार आयोग के गठन की बात आती है तो कोई नेता बोलता है? अगर बोलता है अकेले सदन से लेकर सड़क तक, तो ओम प्रकाश राजभर। आप ही के बिरादरी के मंत्री हैं अनिल राजभर, उनका कहना है कि आप मीडिया के मनोरंजन मात्र हैं और कुछ नहीं। देखिए, एक लोडर और लीडर दो चीजें हैं। लोडर मालिक की मर्जी से बोलता है, लोडर मालिक की मर्जी से बोलता है और लीडर अपनी मर्जी से बोलता है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए सदन चला है, जबान खुली। अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए 11 मार्च 2022 को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। सदन में अगर कोई बोला तो ओम प्रकाश राजभर, वो मनोरंजन का साधन है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए सदन में बोला ओम प्रकाश राजभर, किसी नेता की हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई बोले। सदन में अगर तेलंगाना में 500 केजी से पीजी कॉलेज खुला है, तो उत्तर प्रदेश में भी आबादी के हिसाब से यहाँ भी कॉलेज खुलना चाहिए केजी से पीजी तक निःशुल्क, अगर बोला तो ओम प्रकाश राजभर। घरेलू बिजली के बिल माफी के सवाल पर अगर सदन में बोला तो ओम प्रकाश राजभर, वही बात तो आपके बीच में बोल रहा हूँ। ये अगर मनोरंजन का साधन है तो मंत्री जी को इस्तीफा दे के घर चले जाना चाहिए था और जाकर के घर जो है दफला बजाना चाहिए। अभी कुछ है कि समाजवादी पार्टी में अगर अखिलेश यादव जी बुलाते हैं तो आप जाएंगे? देखिए, ऐसा है ना कि हमारी तो खुद की पार्टी है, हमारी खुद है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है। हम अपनी पार्टी के नीति और सिद्धांत का प्रचार प्रसार करते रहते हैं, हम लड़ाई अपनी खुद लड़ते हैं। ईश्वर अल्लाह खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। हम अपनी मदद के लिए तैयार कर रहे हैं लोगों को, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी। जिसको इस लड़ाई को लड़ना हो आवे, हमारे पीछे खड़ा हो, हम कहाँ मना कर रहे हैं कि मत रहिए, लेकिन ये लड़ाई लड़िए, ये मत लड़िए कि हम आपका हिस्सा लूटेंगे। हिस्सा लूटेंगे तो हम तो तीर लेकर खड़े हो जाएं, खबरदार। अगर कोई व्यक्ति आके उनको मना करे कि आप ऐसा ना बोलो, कोई मना करने वाला अभी तो नहीं मिला। लोकसभा चुनाव पहले सपा में एक बड़ा बाला बदलने वाला है, उसमें आपके मऊ के मंत्री, पूर्व बिहारी विधायक भी हैं सपा के, दारा चौहान का भी नाम चल रहा है, क्या आपको जानकारी है? अभी कितने अभी आने वाले हैं? आप बहुत अच्छे मौसम में कैंडिडेट हैं। अभी एक नहीं, अनेक लोग जाएंगे, देखते जाइएगा। एक नहीं, अनेक जाएंगे। धरातल पे जो खेल हुआ है, जो पॉलिटिक्स बिहार से चली शूद्र की, यूपी में समाजवादी पार्टी को गर्त में ले जाकर पहुंचा दिया। जब उनको समझ में आया कि हम डूबने वाले हैं, तब पाबंदी लगी है। समाजवादी पार्टी के किसी नेता से पूछेगा कि शूद्र पर कुछ बोलिए, वो नहीं नहीं हम गड़बड़, ये बयान हम लोग दिए नहीं थे, अब मुकर जा रहे हैं। कितने रहेगा? संविधान में कई संशोधन हुए, हिंदू राष्ट्र को लेकर संशोधन होना चाहिए। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में सभी धर्मों को बराबर का अधिकार दिया है। ये हिंदू धर्म कहने वाले लोग फिर हिंदू को सताते क्यों हैं? हम आपका ध्यान उन्हीं के बयान पे ले चलता हूँ, लालू यादव के, वो भी तो हिंदू हैं। फिर उनके खिलाफ 5 साल से CBI जांच क्या कर रही है, ED जांच क्या कर रही है? अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने संजय राउत के खिलाफ, वो भी हिंदू है, संजय राउत के खिलाफ हाई कोर्ट ने टिप्पणी किया सरकार के ऊपर। जो ठेकेदार हैं हिंदू के, तो हिंदू को सता क्यों रहे हैं? हिंदू में 2 जाति हम मानते हैं, बड़ी, बड़ा भाई या छोटा भाई। बड़ा भाई छोटा भाई का हिस्सा क्यों नहीं दे रहा है? आज आजमगढ़ में बता दीजिए, एक थाने पर 36 थाने हैं, एक थाने पर राजभर का, चौहान का, बिंद का, केवट का, मल्ला का, पाल का, प्रजापति का, कुम्हार का, चौरसिया का बेटा दरोगा है, कौन हिस्सा नहीं दे रहा है? हमारा बड़ा भाई हिंदू, अगर जो हिंदू की बात करते हैं तो एक हिंदू की, हिंदू हिंदू का हिस्सा क्यों नहीं लूट रहा है, क्यों हिस्सा नहीं दे रहा है? ये सिर्फ गुमराह करके वोट लेने की साजिश है, कैसे वोट मिले इसके लिए काम हो रहा है। खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।